आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है बेस्टियल। बेस्टियल का मतलब होता है ब्रूटस, यानी कि असभ्य। देखो ब्रूटल से ही ब्रूटस बना है, असभ्य। अब यहाँ पे रूट वर्ड जो है वो बीस्ट है, बेस्टियल का बीस्ट। तो बीस्ट का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना बीस्ट है वो, दैत्य है, बहुत बड़ा शरीर वाला है, तो वही है बीस्ट। आपने मूवी देखी कि होगी ब्यूटी एंड बीस्ट, तो बीस्ट कैसे होते हैं, तो बहुत ज्यादा ब्रूटस होते हैं। तो रूट वर्ड इसका याद रखेंगे बीस्ट, बीस्ट से ही जो है बेस्टियल बना है, बेस्टियल का मतलब जो है ब्रूटस दिया हुआ है। इसके अलावा सिनोनिम्स जो है बार्बरस है, हमने पहले भी देखा कि वो बहुत ज्यादा बर्बर है, और बेस्टली बीस्टली, और ब्यूरिस, ब्यूरिस का मतलब होता है, बुअरिस का मतलब होता है देहाती, गवार। और ब्रूटिस है यहाँ पे दिया हुआ क्रूअल, डिप्रेव्ड, फेरॉल और इनह्यूमन, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इनह्यूमन जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन का इनह्यूमन कर दिया गया है, और ब्रूटिस क्रूअल, क्रूअल का मतलब निर्दयी, आपको पता ही है। बाकी जो एंटोनिम्स है वो है जेनरस, जेनरस पहले भी वर्ड आया, जो बोलते हैं बहुत ज्यादा उदार है वो, जेनरस पर्सन है। जेंटल बहुत ज्यादा नेक है, ह्यूमन और काइंड का मतलब दयालु, और नाइस बहुत अच्छा, नाइस पर्सन है। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो बेस्टियल का क्या हो जाएगा सिनोनिम, ब्रूटस। चलिए एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया है, ये पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2021 में, जो कि 7 जून 2022 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में। पूछा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बेस्टियल। तो बेस्टियल का राइट जो सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रूटस। बेस्टियल यानी बीस्ट आपको याद रखना है, और बीस्ट कैसे होते हैं, ब्रूटस होते हैं। इसके अलावा ग्रीडी का मतलब होता है लालची, हाई माइंडेड, और नोबल, नोबल का मतलब बोलते हैं ना वो एक नोबल पर्सन है, ही इज अ नोबल पर्सन। नोबल का मतलब आप समृद्ध बोल सकते हो, ज्ञानी बोल सकते हो। बाकी डिटेल में हम मीनिंग देखेंगे कि क्या क्या मीनिंग है सबके। देखिए जो पहला जो वर्ड था वो ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, वॉन्टिंग मोर फूड और मनी, पावर इटीसी देन यू रियली नीड, मतलब अपने आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा आपको जरूरत है, आप चाह रहे हो तो आपको ग्रीडी बोला जाएगा। हाई माइंडेड का मतलब हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, यानी जिसके मोरल वैल्यू ज्यादा हो, स्ट्रांग हो। नोबल का मतलब बिलोंगिंग टू द हाईएस्ट सोशल क्लास, ऑनेस्ट, फुल ऑफ करेज एंड केयर फॉर अदर्स, यानी कि जो हाईएस्ट सोशल क्लास से, यानी कि हाईएस्ट सामाजिक लोगों से जो बिलोंग करता है उसको हम नोबल कहते हैं। फुल ऑफ करेज भी हो सकता है और केयर फॉर अदर्स भी हो सकता है नोबल का मीनिंग। चलिए बिविल्डरमेंट, बहुत बार आया है ये वर्ड, और इस बार जो है मेन वर्ड के रूप में आया है, बाकी तो ऑप्शंस के रूप में आए थे। बिविल्डरमेंट जिसका मतलब होता है कंफ्यूजन, है ना, आपने पढ़ा होगा पजल, अमेज, बिविल्डरमेंट, वही यहाँ पे बिविल्डर का दे दिया है कंफ्यूजन। ठीक है, यानी कि बिविल्डर मीन्स क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो जाना। तो रूट वर्ड देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ बी, ब्री का मतलब थ्रूली, और यहाँ पे जो विल्डर दिया हुआ है, विल्डर का मतलब लीड एस्ट्रे, ल्यूर इन टू विल्ड्स। आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे जंगल में लोग जाते हैं ना, वाइल्ड, WILD, वाइल्ड का मतलब जंगल होता है, तो जंगल में लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो वही यहाँ पे सिनोनिम जो दिए हुए हैं वो कंफ्यूजन है और डिसओरिएंटेशन है, परप्लेक्सिटी है, पहले भी आया था ये वर्ड। बेफलमेंट याद होगा आपको, बेफेलो से हमने याद किया था कि बफेलो कंफ्यूज कर देती है, डेज ये भी आया था वर्ड, और डिस्कम्बोबुलेशन और सरप्राइज, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स हैं। एंट्रेंस हो जाएगा कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस, बोलते हैं ना भाई उसने मुझे कन्विंस कर दिया, कन्विक्शन कर दिया। कॉन्फिडेंस, सर्टेन हूं मैं, निश्चित हूं मैं, कंफ्यूज नहीं हूं। अश्योरेंस का मतलब मैंने बताया था कि मतलब विश्वास होना। सर्टिट्यूड, पॉजिटिवनेस और श्योरनेस, हम बोलते हैं ना श्योर हूं, आई एम श्योर। तो इसके ये सब जो है इसके एंट्रेंस हो जाएंगे। बाकी हम निमोनिक से कैसे याद करेंगे बिविल्डरमेंट को, तो आप याद रखेंगे जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। देखा होगा आपने कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर मैन जो होते हैं या फिर वुमेन हो, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये खा लेंगे तो फैट बढ़ जाएगा, वो खा लेंगे तो ये हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो बिविल्डरमेंट का मतलब हो जाएगा कंफ्यूजन। ठीक है, अब आपको ये याद रहेगा। चलिए अब जो है एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था, ये पूछा गया था JKSSB में, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में, जो कि 1 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स ऑफ बिविल्डर्ड, यानी बिविल्डर्ड का जो है सिनोनिम्स क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया बिविल्डर का मतलब कंफ्यूजन,
बैफल, बैफलमेंट, अमेज हो जाना, सरप्राइज हो जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा बैफल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बैफल। बफेलो से हमने याद किया था पहले भी। बाकी काम का मतलब शांत होना, शांत रहना, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर, ये भी अपोजिट हो जाएगा। अवेयर, ये भी अपोजिट हो जाएगा, मतलब आप उस चीज से अवेयर हो, अवगत हो। तो इस तरह से जो है हमने सबके मीनिंग देख लिए। बाकी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ मीनिंग दिए हुए हैं, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। जैसे बिविल्डर का मीनिंग आपको पता है, कंफ्यूजन होता है। द बिविल्डर्ड चाइल्ड वेंडर्ड एमलेसली अराउंड द प्ले ग्राउंड, यानी जो कंफ्यूज चाइल्ड है वो इधर, वेंडर का मतलब भटकना, वो इधर उधर जो है ग्राउंड में भटक रहा है एमलेसली, यानी बिना किसी उद्देश्य के। चलिए सिनोनिम्स है बेफल्ड, बिफ्यूडल, बिम्यूज। इसके अलावा काम का मतलब मैंने आपको बताया, मतलब शांत होना, नॉट एजिटेटेड। एजिटेटेड भी वर्ड हमने याद किया है निमोनिक से, जिसका मतलब होता है शांत ना रह पाना, है ना। यानी कि बोलते हैं ना एजिटेटेड है, बहुत ज्यादा व्यथित है वो। विदाउट लूजिंग सेल्फ पोजिशन, क्लियर का मतलब फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन और डाउट, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा था बेफलमेंट। अवेयर का मतलब हैविंग और शोइंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी चीज से अवगत होना। चलिए बिविच, अगला जो वर्ड है हमारा वो है बिविच्ड। बिविच्ड का मतलब होता है किसी को कैप्टिवेट कर देना। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है किसी को मोहित कर देना, आपने किसी को मोहित कर दिया, आपने वश में कर लिया, तो उसको बिविच्ड कहते हैं। रूट वर्ड देखेंगे वाईसी, वाईसी का मतलब होता है फीमेल, फीमेल मैजिशियन। आपने विच पढ़ा होगा ना, विच का मतलब क्या होता है, जादूगरनी, है ना। विच, WITCH, विच का मतलब होता है जादूगरनी। और जादूगरनी किसी को क्या कर लेती है, कैप्टिवेट कर लेती है, अपने मोह लेती है, ठीक है, अपने जादू से लोगों को अपने वश में कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, मोह लेती है, तो उसी को कहते हैं हम बेविच्ड, कैप्टिवेटेड। अब देखेंगे इसका जो अदर सिनोनिम से, वो है कैप्टिवेटेड, एनामोर्ड, इंचेंटेड। उसके अलावा जो है इनरैप्चर्ड, इंटरेस्ट, फैसिनेटेड। फैसिनेटेड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे फैसिनेटेड। हुक्ड और मेस्मेराइज, और मेस्मेराइज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो आप ज्यादा फोकस जो है फैसिनेटेड पे करेंगे और मेस्मेराइज पे करेंगे। तो कैप्टिवेटेड, एनामोर्ड, इंचेंट, इनरैप्टेड, इनरैप्चर्ड और इंटरेस्ट और फैसिनेट, हुक्ड और मेस्मेराइज जो है इसके क्या है सिनोनिम्स है। इसके अलावा एंट्रेंस हो जाएगा डिस्कस्ट, डिस्कस्टेड बोलते हैं ना, बहुत डिस्कसिंग है ये, डिस्कस्टिंग है, पहले भी हमने याद किया था डिस्कस्टिंग। और ऑफेंडेड, रिवोल्ट होना। एनॉय का मतलब परेशान करने वाला। रिपेल्ड यानी रिपील का मतलब जिसको आप पसंद नहीं करते। टायर्ड, बोर्ड, बोर हो जाना, और डिसप्लीज हो जाना, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। निमोनिक बस इतनी सी है कि जो एक विच होती है, जादूगर होती है, वो किसी को भी कैप्टिवेट कर सकती है, बस इतना याद रखना है। चलिए एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बिविच। बिविच का जो है आपको सिनोनिम्स बताना है। तो बिविच का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्टिवेटेड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कैप्टिवेटेड। बाकी डिस्कस्टिंग इसका अपोजिट वर्ड है। टर्न ऑफ और प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब किसी चीज को टालना, रोकना, बचना। जैसे प्रिवेंट फायर, बहुत जगह पे आपने लिखा हुआ पड़ेगा, प्रिवेंट फायर, आग रोकिए। चलिए यहाँ पे डिस्कस्टिंग का मैंने बता दिया आपको कि अराउज रिवल्जन और स्ट्रॉन्ग इंडिग्नेशन, यानी कि बहुत ज्यादा किसी चीज को डिसलाइक करना। टर्न ऑफ का मतलब स्विच ऑफ कर देना, तो हम टर्न ऑफ द लाइट करते हैं, स्विच ऑफ द लाइट करते हैं। इसके अलावा और भी मैंने जो वर्ड है वो मैंने बताया आपको। इसके बाद जो है वो है बिब्लियोफाइल। देखिए बिब्लियोफाइल भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार परीक्षा में जो है पूछा गया है ये, जिसका मीनिंग होता है बुक लवर, बिब्लियोफाइल। तो इसको मैं याद करवाने की अगर कोशिश करूँ तो बस आप इतना रूट वर्ड याद कर ले, जो बिब्लियो है, बिब्लियो का मतलब होता है बुक, बिब्लियो मीन्स होता है बुक, ठीक है, किताब, बुक, पुस्तक। और फाइल का मतलब पहले भी आप याद करते आ रहे हो, फाइल से रिलेटेड वर्ड। तो फाइल का मतलब होता है प्यार करना, ठीक है, बिब्लियो फाइल। तो बिब्लियो फाइल का मतलब हो जाएगा बुक लवर। चलिए बाकी जो अगर रूट वर्ड देखना है, जैसे बिब्लियोन का मतलब पेपर और स्क्रॉल, जो अभी मैंने बताया आपको। और फाइल का मतलब होता है किसी चीज से लगाव होना, ठीक है, प्यार करना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे बुक लवर, बुक वॉर्म। बुक वॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है किताबी कीड़ा, यानी कि किताबों से प्यार करने वाला। बिब्लियोमैनिक वही है, बिब्लियोमैन और बिब्लियोलेटर,
ये सब वर्ड है, सब बिब्लियो बिब्लियो लगा हो रहा है, तो समझ जाइए पुस्तक से प्रेम करने वाला है। चलिए, एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था ये। यहाँ पे देखिए, मुझे सिनोनिम्स मिला नहीं था, तो यहाँ पे जो है मैंने वन वर्ड ले लिया था, क्योंकि वो भी सेम ही है। यहाँ पे पूछा गया है एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 6 मार्च 2019 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। पूछा गया है सेलेक्ट द वन वर्ड, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड। दी आर वन हु लव्स बुक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बुक से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे लाइब्रेरियन से आप कंफ्यूज मत हो जाना, लाइब्रेरियन का मतलब होता है जो लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है, उसको लाइब्रेरियन कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बुक से प्यार हो जाएगा अगर लाइब्रेरी में वो रहता है तो। लेकिन बिब्लियोफाइल यहाँ पर राइट आंसर है। ओरेटर का मतलब वक्ता होता है, और वेटरन का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस, यानी किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस व्यक्ति को हम वेटरन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, और बिब्लियोफाइल इसका राइट आंसर है। चलिए, बाकी सबके मीनिंग जो है यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए हैं, आप एक बार जो है पढ़ लेंगे। जैसे बिब्लियोफाइल का मतलब मैंने बताया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पुस्तकों से प्यार हो। लाइब्रेरियन का मतलब होता है अ पर्सन हु वर्क्स इन अ लाइब्रेरी, यानी जो लाइब्रेरी में काम करता हो। ऑरेटर का मतलब समवन हु इज अ गुड एट अ स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि अच्छा वक्ता जो अपनी बातों को रख सके। और वेटरन का मीनिंग मैंने बताया था आपको, एक्सपीरियंस पर्सन। तो अ पर्सन हु हैज हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, यानी किसी एक जॉब या प्रोफेशन में जो एक्सपीरियंस होता है उसको हम कहते हैं वेटरन। चलिए आगे देखेंगे, अगला है बाइफरकट, बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड का मतलब होता है, बिफरकेटेड का मतलब दो भागों में बांटना, यानी कि डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दो भागों में बांटने को हम बिफरकेटेड कहते हैं। हम इसको याद कर लेंगे, बहुत आसान सा वर्ड है। पहले आप बाई का मतलब याद कीजिए, बाई का मतलब दो होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मोनो, मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है। ठीक है, याद करेंगे मेरे साथ, मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, और क्वाड का मतलब चार होता है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा होगा, तो क्वाड का मतलब होता है चार। ठीक है, पेंटा का मतलब पांच होता है, पेंटा PENTA, पेंटा, पेंटा का मतलब पांच होता है। हेक्सा HEX, हेक्सा का मतलब छह होता है। आप यहाँ पे हेप्टा का मतलब सेवन होता है, ओक्टा OCTA, ओक्टा का मतलब जो है वो आठ होता है, और नोना का मतलब जो है वो नाइन होता है, NONA, और डेका का मतलब होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, तो बाई का मतलब हो जाएगा दो, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेड। ठीक है, तो दो पार्ट में कट करना, दो पार्ट में कट करना, उसको क्या कहेंगे? बिफरकेटेड कहेंगे, यानी कि डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स कहेंगे। चलिए, बाकी जो एक्स्ट्रा जो सिनोनिम दिए हुए उसको देख लेंगे हम। डिवाइडेड, सब डिवाइडेड, स्प्लिट कर देना, स्प्लिट कर देना, दो पार्ट में डिवाइड, स्प्लिट कर देना। ठीक है, और उसके बाद सेपरेटेड, अलग अलग कर देना, सेगमेंटेड और बाइसेक्टेड। हम बाइसेक्ट करते हैं ना, हम मैथ में पढ़ते हैं ना बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का मतलब दो पार्ट में डिवाइड करने वाला। और डिसेक्टेड और पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब भी होता है बंटवारा, जैसे भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। चलिए, एंटोनिम्स हो जाएंगे कंबाइन करना, कंबाइन का मतलब जोड़ना, एसोसिएटेड मिक्स कर देना, कनेक्ट कर देना, ब्लेंड कर देना, हम मिक्सी में ब्लेंड कर देते हैं दो तीन चीजों को, मसालों को। एजेंबल कर देना, पहले भी हमने याद किया है एजेंबल को, इसका सिनोनिम हमने एमस देखा था है ना, और याद किया था कि असेंबली में लोग एजेंबल होते हैं। कपल्ड हो जाना, यानी कपल मिंगल हो जाना बोलते हैं ना, वो सिंगल से मिंगल हो गया। अटैच हो जाना और क्लोज हो जाना, यानी कि ये सब इसके एंटोनिम्स है। तो बिफरकटेड का मतलब डिवाइडेड इंटू टू। चलिए, अब उसी तरह से यहाँ पे जो है क्वेश्चन मुझे नहीं मिला था इसलिए मैंने नहीं लिया। यहाँ पे बिफरकेशन लिखा हुआ है, तो बिफरकेशन भी सेम याद होगा आपको, जिसका मतलब होता है बाई का मतलब दो, और कैट का मतलब होता है डिवाइड करना, कैसन, तो डिविजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी जो सिनोनिम्स है वो कॉम्प्लिकेशन, कंसिक्वेंस, अपशॉट, ब्रांच, ब्रांच का मतलब शाखाओं में डिवाइड कर देना, ब्रेकिंग, डाइवर्सिकेशन, डिविजन और पार्टिंग ऑफ द वेज। बाकी एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉज, ओरिजिन, सोर्स, जंक्चर। जंक्चर जो है जंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, जंक्शन जहाँ पे ट्रेनें आकर के मिलती हैं, यूनाइट होती हैं, यूनियन, यूनिटी, और होल, होल का मतलब पूरा, ये सब इसके अपोजिट वर्ड हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना, यानी कि यूनाइट करना। अब देखो क्या है यहाँ पे, जो वर्ड है वो है बाइंडन। बाइंडन का मतलब होता है टू टाई अप विद बॉन्ड्स, यानी कि बाइंडन जो है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू टाई अप विद बॉन्ड्स,
तो बाइंड का मतलब होता है बांधना, यूनाइट करना, ये आसान सा वर्ड है, आपको याद होगा। सिनोनिम्स है टाई, टाई अप, फासन, ये वर्ड याद रखेंगे, फासन योर सीट बेल्ट, आपने देखा होगा बोला जाता है फासन योर सीट बेल्ट, यानी अपने सीट बेल्ट को क्या कर लो, बांध लो। और उसके बाद होल्ड टुगेदर, लैस, ज्वाइन और बॉन्ड। चलिए ये सब तो मीनिंग हो गया कि एक साथ बांधना, यूनाइट करना, लेकिन एंटोनिम्स हो जाएगा यूनाइट, अनबाइंड, सॉरी अनटाई, अनटाई लिखा हुआ है, अनबाइंड, अनडू करना, अनडू और रीडू याद होगा आपको, कंप्यूटर में आप करते होंगे, अनफासन और अनलूज कर देना, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। अब यहाँ पे जो है एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया है, ये देखेंगे दिया हुआ है, ये SSCMTS प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, जो कि 27 अक्टूबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बाइंड, तो बाइंड का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो बाइंड का जो है राइट आंसर हो जाएगा फासन। ठीक है, फासन का मतलब होता है बांधना, टाई करना, बाकी टाइटन का मतलब होता है टाइट करना, बेंड का मतलब झुक जाना, और स्पॉइल का मतलब होता है स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना। चलिए सबके मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए, डिटेल में आप एक बार पढ़ लेंगे। देखिए बेंड का मतलब शेप और फोर्स समथिंग इनटू अदर कर्व और एंगल, यानी कि बेंड का मतलब बिल्कुल मोड़ देना। फासन इसका राइट आंसर है, जिसका मतलब होता है फिक्स और होल्ड इन प्लेस। और स्पॉइल का मतलब होता है प्रिवेंट समवन फ्रॉम एंजॉइंग, यानी कि स्पॉइल कर देना किसी चीज को, बर्बाद कर देना, है ना, जैसे ओकेजन वगैरह, समारोह वगैरह में पी करके लोग बर्बाद कर देते हैं, मजा किरकिरा कर देते हैं, तो उसी उसी सेंस में है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हिंदी में सबकी मीनिंग लिखी हुई है, आप हिंदी भी पढ़ लेंगे अगर आप पढ़ना चाहें तो। बाकी हम अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, ब्लैबर। अगला जो वर्ड है हमारा वो है ब्लैबर। ब्लैबर का मतलब होता है नॉनसेंस, यानी जो गप्पी होता है, जो बकबक करता है, उसको हम ब्लैबर कहते हैं। अब देखो ब्लैबर में एक वर्ड आ रहा है ब्लैब, ब्लैब का मतलब ही होता है टू टॉक फुलिसली या आइडली, है ना, बेकार की बातें करना या मूर्खतापूर्ण बातें करना, उसको हम ब्लैबर कहते हैं। ठीक है, और इसको निमोनिक से हम याद कर लेंगे अभी, ब्ला ब्ला, ठीक है, वो ब्ला ब्ला करते रहता है दिन भर, नॉनसेंस कहीं क्या बोलते हैं ना, वो नॉनसेंस टॉकिंग करते रहता है, बेकार की बातें करते रहता है दिन भर, ब्ला ब्ला करते रहता है, तो ब्लैबर का मतलब हो जाएगा नॉनसेंस। और जो एक्स्ट्रा सिनोनिम से वो है बैबल, गैबल, गैबल का मतलब भी होता है बकबक करना, जैबर, देख लो कितना आसान सा वर्ड है, बैबल गैबल जैबर, एक ही साथ याद कर लेंगे आप, बैबल गैबल और जैबर, नॉनसेंस और प्रैटल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा जो अपोजिट वर्ड है वो है सेंस, यानी कि सेंस वाली बातें करना, प्रोनाउंस, आर्टिकुलेट, स्पष्ट बातें करना, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट बातें करना, और इनन्सिएट, इनन्सिएट का भी मतलब होता है स्पष्ट तरीके से बात करना, तो दिन भर ब्ला ब्ला बर बर करते रहता है, तो ब्लैबर का मतलब हो जाएगा नॉनसेंस टॉकिंग। चलिए एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था, ये SSC CHSL प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, जो कि 23 मार्च 2018 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। लिखा है कि सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ ब्लैबर, तो ब्लैबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नॉनसेंस, तो नॉनसेंस इज द राइट आंसर। बाकी जो है मीनिंग, जैसे वराई, वराई वगैरह भी मीनिंग आपको मैंने बताया है, वराई का मतलब टेढ़ा होता है, जो हमने आरी से रिलेटेड याद किया था। चलिए देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है जो बाकी मीनिंग है, जैसे यहाँ पे सोफिक है, तो सोफिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू और फुल ऑफ विजडम, यानी कि बुद्धिमता से रिलेटेड, है ना, विजडम से रिलेटेड, उसको हम सोफिक कहते हैं। चलिए और बाकी जो है मीनिंग यहाँ पे, जैसे नॉनसेंस, नॉनसेंस हमारा राइट आंसर था, वराई, वराई का मतलब टेढ़ा होना हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है हमारा ब्लेंड, अभी कुछ देर पहले आया था ब्लेंड, है ना, तो ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स कर देना, ब्लेंड का मतलब मिक्स कर देना, मर्ज कर देना, तो हम ब्लेंडर में क्या करते हैं, तो ब्लेंडर में चीजों को हम डाल करके एक साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे मसाला ब्लेंड करना हो तो हम उसमें हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा सा ना काली मिर्च डाल देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं, और उसको जो है लहसुन डाल के, अदरक डाल के उसको ब्लेंड कर देते हैं, तो ब्लेंड का मतलब पूरा मिक्स कर देना, मर्ज कर देना, ब्लेंडन। यहाँ पे जो रूट है, यानी कि ओरिजिन वर्ड है, वो है ब्लेंडन, जिसका मतलब होता है टू मिक्स इन अ सच अ वे एज टू बिकम इनएक्सटिंग्विशेबल। और सिनोनिम से मिक्स करना, मिंगल कर देना, पहले भी आया हुआ है ये वर्ड, कंबाइन, पुट टुगेदर, स्टीयर करना, स्टीयर का मतलब मिलाना होता है, जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसको स्टीयर करते हैं, विस्क, और फोल्ड इन, जंबल, मर्ज कर देना, फ्यूज कर देना, फ्यूजन, फ्यूज कर देना, यूनाइट,
यूनिफाई और ज्वाइन, आसान आसान से वर्ड है ये, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ब्लेंड करना, एंटोन हो जाएगा डिवीजन कर देना और सेपरेशन कर देना। चलिए याद रखिएगा, एंटोन जो हो जाएगा वो डिवीजन हो जाएगा और सेपरेशन हो जाएगा। एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था, एसएससी मैट्रिक लेवल में पूछा गया है, जो कि 14 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ब्लेंड। तो ब्लेंड का जो है राइट आंसर क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा? तो ब्लेंड का मतलब मैंने आपको बताया मर्ज कर देना, ठीक है। यानी ब्लेंड करके हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं यानी मिक्स करते हैं। इसके अलावा जो है जैसे पार्ट, पार्ट का मतलब क्या होता है, पार्ट में डिवाइड कर देना, पार्ट का मीनिंग होगा क्या, पार्ट में डिवाइड कर देना, और डिवाइड का मतलब डिवाइड ही कर देना, दो पार्ट में या तीन पार्ट में जितने भी हो, सेपरेट का मतलब अलग अलग कर देना। तो राइट आंसर जो है ब्लेंड का वो हो जाएगा मर्ज कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो सबका मीनिंग भी लिखा हुआ है, जैसे ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब मिक्स करना, मर्ज का मतलब कंबाइन कर देना, बाकी जो है आप मीनिंग पढ़ लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आसान आसान सा मीनिंग है। चलिए यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी लिखी हुई है, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहें तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए ब्लिंक है, ब्लिंक का मतलब होता है फ्लिकरिंग करना, फ्लिकर यानी कि क्या होना, झिलमिलाना, ब्लिंक का मतलब होता है झिलमिला जाना, तो वही यहाँ पे फ्लिकर लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे जो रूट वर्ड है, फ्रॉम द मिडिल डच ब्लिंकन, ब्लिंकर का मतलब होता है ग्लिटरिंग करना, ग्लिटरिंग ऑफ स्टार्स आपने पढ़ा होगा, यानी कि तारों का झिलमिलाना, तो वही ग्लिटर यहाँ पे लिखा हुआ है। सिनोनिम्स है फ्लैश, कोई भी चीज फ्लैश होती है तो झिलमिलाती है। फ्लिकर ट्विंकल, जैसे तारे ट्विंकल होते हैं। वेबर, वेब करना, वेबरिंग करना, झिलमिलाना। विंक करना, जैसे हम विंक करते हैं अपने पलकों को। सेंटिलेट और ग्लिंट करना, ग्लिमरिंग करना, ग्लिटर करना, ये सब वर्ड जो है झिलमिलाने के सेंस में है। और एंटोनिम्स हो जाएगा अटेंड, बी अवेयर और पे अटेंशन, ये सब इसके अपोजिट वर्ड हैं। चलिए अब देखेंगे हम, इसका क्वेश्चन नहीं मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें मैच द फॉलोइंग करके देखना है, कि मैच द फॉलोइंग से हमें कितने वर्ड याद आए। अब देखो बेस्टियल, पहला वर्ड जो था बेस्टियल, तो आप ना आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान से जो है याद करने की कोशिश करेंगे बेस्टियल का। इसमें क्या रूट वर्ड आपको मिल रहा है, बीस्ट, क्या मिल रहा है आपको, बीस्ट। और बीस्ट कैसे होते हैं, ब्रूटिस होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, बिल्कुल ब्रूटिस होते हैं, यानी कि बीस्ट जो है क्या होते हैं, असभ्य होते हैं, गवार होते हैं, ब्रूटिस होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रूटिस। बिविल्डरमेंट, अब फिर से आंख बंद करके सोचिए कि क्या हो सकता है, बॉडी बिल्डर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो बिविल्डरमेंट का मतलब हो जाएगा कंफ्यूजन। बिविच, बिविच में क्या वर्ड आ रहा है, विच, विच का मतलब क्या, जादूगरनी, और जादूगरनी क्या कर लेती है, कैप्टिवेट कर लेती है, मोहित कर लेती है, तो बिविच का मतलब क्या हो जाएगा, कैप्टिवेट। अब देखो बिब्लियो फाइल, तो बिब्लियो का मीनिंग मैंने क्या बताया था, बुक, और फाइल का मीनिंग क्या बताया था, लवर, यानी कि जो बुक लवर है उसको क्या कहेंगे, बिब्लियो फाइल कहेंगे। अब देखो बिफरकेटेड, बिफरकेटेड का मतलब मैंने बाई का मतलब क्या बताया था, पूरा मैंने आपको रूट वर्ड बता दिया था, 1 से लेकर के 10 तक, मोनो से लेकर के डेका तक। तो बाई का मतलब दो होता है, कैट का मतलब कट करना, तो दो पार्ट में जब आपने कट किया तो बिफरकेटेड, डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। चलिए इसके अलावा जो है अब देखेंगे हम यहाँ पे बिफरकेशन, यहाँ पे भी डिविजन हो जाएगा सेम रूट वर्ड से। अच्छा बाइंड का मतलब क्या करना, यूनाइट करना, फासन करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है फासन। ब्लैबर क्या बताया था मैंने, ब्ला ब्ला करना, है ना, दिन भर लोग जो है नॉनसेंस टॉकिंग करते हैं, ब्ला ब्ला करते रहते हैं, तो नॉनसेंस टॉकिंग। ब्लेंड का मतलब ब्लेंडर में डाल के मिक्स करते हैं, मर्ज करते हैं चीजों को, मसालों को। और ब्लिंक का मतलब फ्लिकरिंग करना, यानी कि झिलमिलाना, तो ब्लिंक का क्या हो जाएगा, फ्लिकर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है मैच द फॉलोइंग किया, आप जो है खुद से एक बार करके देख सकते हैं, आराम आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो और भी जो है अच्छे से चीजें आपको याद होंगी।